वापस आते हैं जैसा। हमारे ज़माने में ना इतने भी पुराने नहीं है हम, मगर फिर भी यार हम लोग बाहर इतना खेलते थे, मोबाइल एंड आईपैड का सवाल ही नहीं पैदा होता था। पर आजकल के बच्चे तो खैर, आज ना मैं दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाई थी, ये जो सिंक में रखते हैं ना कचरा रोकने के लिए, मुझे नहीं पता यार इसे क्या कहते हैं। मैं इसे कब से ढूंढ रही थी एंड फाइनली मुझे मिल गया। हमेशा कचरा उसमें जमा हो जाता था और मुझे कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ता था, तो फाइनली ये काम हो गया, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो खैर, आज बन रहे थे भाई हमारे घर शामी कबाब एंड उसके साथ फिर मैंने सैलड भी बनाया। शामी कबाब जब भी बनते हैं ना तो मेरा दिल करता है पतली पतली चपाती से खाऊं उसको, साथ में सैलड भी हो, मूली खीरा ये सब हो, तभी उसका मज़ा है। और चटनी के बगैर शामी कबाब मुझे लगता है बिल्कुल ही अधूरे हैं। तो मैंने बनाया फिर कबाब और उसके साथ मैंने रोटी ऑर्डर करना चाहिए कि चलो मैं यार कहीं से रोटी ऑर्डर कर देती हूँ, मगर कहीं चपाती मिल ही नहीं रही थी, हर जगह सिर्फ नान मिल रहे थे। तो मैंने कहा चलो यार आज रोटी खुद ही बना लेते हैं। वैसे मैं बहुत अरसे बाद रोटी बना रही हूँ, ऐसा नहीं है, हाँ शुरू में बनाती थी फिर मैंने छोड़ दी थी। रोटी बनाना मुश्किल काम नहीं है, मगर आटा गूंदना बड़ा मुश्किल काम है, तो बस यही वजह थी। और मुझे ऐसी बात नहीं है, रोटी बहुत अच्छी बनाने आती है, वो तो आप अभी देख ही रहे होंगे कि मेरा कोई भूत छूत ही बना रहा, मैं खुद ही बना रही हूँ। लोग समझते हैं कि शायद मुझे रोटी छोटी खाना वाना बनाने नहीं आता, क्योंकि हमेशा मैं अपनी अम्मा के यहाँ गई हुई होती हूँ और वो कुछ ना कुछ बना रही होती हैं। तो लोग अक्सर मुझे कमेंट में लिख रहे होते हैं आप खुद कुछ काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। यार मैं काम करती हूँ, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था मुझे कम चीज़ें आती हैं, मगर सीरियसली अच्छी बनाने आती हैं, और जब दिल हो तो फिर बहुत ही अच्छी बना लेती हूँ। मगर मैं इतना ज़्यादा ऐसी चीज़ें चूज़ करती हूँ जिसमें टाइम कम लगे और अच्छी भी बन जाए। तो मैं शामी कबाब के बारे में बता रही थी, यार जो हमारे यहाँ शामी कबाब बनते हैं ना उसमें दाल कम से कम यूज़ होती है, ताकि ज़्यादातर टेस्ट मटन का आए। और यार शामी कबाब ना मेरी टॉप लिस्ट में आते हैं, दाल चावल के बाद अगर कोई चीज़ है तो वो यही है। इसे खाली आप चपाती और चटनी के साथ खाएं और साथ में रायता और सैलड हो तो बस भाई, आप कोई भी अच्छा से अच्छा खाना रख दें और अगर ये सामने होगा तो डेफिनेटली मैं तो यही खाऊंगी। एक्चुअली शामी कबाब वो डिश है, वो रिश्तेदार है जो आप चाहकर भी ना कभी उनका साथ नहीं छोड़ सकते। अब वो कौन है आप वो खुद सोच लीजिएगा, मैं नहीं बताने वाली हूँ वरना यहाँ कमेंट बॉक्स में एक लेक्चर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ सब कुछ रेडी हो चुका था और मैंने अपनी प्लेट भी सजा ली थी, और बस अब मैं वेट कर रही थी कि पहला लुकमा लूँ और देखूँ शामी कबाब कैसे बने हैं। तो जैसे ही मैंने पहला लुकमा लिया, ट्रस्ट मी, बड़े मज़े के बने थे। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाए थे तो मैं कह रही हूँ, मगर वाकई बहुत टेस्टी बने थे ये। वैसे तो अक्सर ये होता है ना कि जब आप खुद खाना बनाओ ना तो फिर आपका खाने का दिल नहीं करता, मगर कुछ डिशेज ऐसी होती हैं जिन्हें आप वेट कर रहे होते हो कि जब पूरी तरह बन जाएंगी तो आप एतमाम से टेबल पे बैठ के खाओगे। तो मैं भी बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। और हाँ, अब इतना कुछ बना था तो इतने सारे बर्तन तो होने थे, तो एनीवेज मैंने वो धोए। और ये जिस स्पीड से आप देख रहे हैं ना कि मेरा किचन फौरन ही साफ़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, रियल लाइफ में कुछ इतनी जल्दी साफ़ नहीं होता, आपको खुद करना पड़ता है। हाँ, ये जो मीडिया पे सोशल मीडिया पे हम दिखा देते हैं ना फटाफट चुटकी बजा के, ऐसे चीज़ें रियल में नहीं होती, आई विश ऐसे होती होती। और आजकल मुझे भूत पर सवार हुआ हुआ है, भूत सवार हुआ हुआ कह रही हूँ, भूत मुझ पर सवार हुआ हुआ है कि रात को वॉक के लिए जाना है। तो बस क्योंकि मौसम इतना प्यारा है, अब रास्ते में मुझे दिख गई पंसूरे की दुकान, मतलब मेरा हर जगह कुछ ना कुछ चल ही रहा है खाना पीना। और फिर मैंने वहाँ से नट्स ले लिए थे, शानजे को दिख गया न्यूटेला, शानजे इसकी बिग फैन है, उसको हमने न्यूटेला दिला दिया था। एंड फिर घर पे भी आकर हमने एक मैगी पार्टी करी। आप लोग कहेंगे यार किस तरह के लोग हैं, बस खाए जा रहे और उसके बाद टैंग भी पिया एंड फिर हम फाइनली जाके सोए। तो खैर, और हाँ आज तो यार मैंने अपनी भैया भाभी की शादी की वीडियोस भी देखी। यार जब मैं ये मोमेंट्स देख रही थी तो मैं बिल्कुल उसी दौर में पहुँच गई थी कि कितना मज़ा आया था। वाकई यार वीडियोस जो होती हैं वो बहुत यादगार होती हैं, उसमें सारे हसीन मोमेंट्स कैद हो जाते हैं। तो खैर, अगर आप मेरे ब्लॉग्स इन्जॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही देते रहे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा।